जी नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्त पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आज ये इस न्यूज़ में क्या है। तो आज हम शुरू करते हैं दोस्त न्यूज। जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आज AUAB की अच्छी तरह से उपस्थित बैठक आज आयोजित की गई, 13 यूनियन और संघों ने भाग लिया। जी हाँ, 13 यूनियन और संघों ने इसमें भाग लिया। महामारी की स्थिति के कारण कई अन्य लोगों ने इस शारीरिक बैठक में शामिल होने में असमर्थता व्यक्त की। जी हाँ, ये जो बैठक हुई उसमें बहुत सारे लोग बैठक में शामिल नहीं हुए क्योंकि कोविड की स्थिति चल रही है। बैठक में BSNL के पुनरुद्धार के महत्वपूर्ण मुद्दे और कर्मचारियों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। जी हाँ, इस बैठक में BSNL के कैसे रिवाइवल किया जाए एवं कर्मचारियों के महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई है। मांगों और कार्रवाई कार्यक्रम के चार्टर को अंतिम रूप दे दिया गया है। जी हाँ, इस कार्यक्रम में जो बातें हुई है और जिस बात पर कार्रवाई की जाए उसका एक अंतिम रूप दे दिया गया है एक चार्ट के रूप में। आज की बैठक में शीघ्र ही AUAB का एक सर्कुलर जारी किया जा रहा है। जी हाँ, और एक सर्कुलर जारी किया जाएगा। इस बैठक में किस मुद्दे पर चर्चा हुई है, कर्मचारियों की जो परेशानी है उस पर चर्चा हुई है, कंपनी को कैसे रिवाइव किया जाए उस पर चर्चा हुई है, प्रबंधन को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। AUAB के आह्वान पर वेतन के समय पर वितरण के मुद्दे पर कल पूरे देश में CMD BSNL CGM BA और SSA प्रमुख को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम पूरे उत्साह के साथ किया गया। जी हाँ, पूरे उत्साह के साथ इन कार्यक्रम को किया गया। सभी सर्कल में BSA SSA और AUAB के घटकों ने इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आयोजित किया। जी हाँ, बहुत अच्छे तरीक़े से ये आयोजन किया गया, ये आंदोलन किया गया। बहुत अच्छी थी स्थिति जिसके कारण सैलरी मिल पाई BSNL एम्प्लॉय को। BSNL EU का CHQ कर्मचारियों की इस ताकत के प्रदर्शन के लिए सलाम करता है। जी हाँ, ये BSNL EU कर्मचारियों को सलाम करता है क्योंकि उन्होंने प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन के आधार पे उनका सैलरी मिल गया। तो दोस्तों, ये न्यूज़ कैसा लगा आपको? फिर हम एक नया आपकी AUAB के जो सर्कुलर निकलेगी और उसमें किस बात पे चर्चा हुई है और उस सर्कुलर में बहुत सारी चर्चाएं हैं जो दिया जाएगा, तो दोस्तों जैसे ही वो आपको हम ज़रूर न्यूज़ देंगे। तो इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।